हेलो एवरीवन, चर्चित मुद्दों की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारतीय शेयर बाजार दिन प्रतिदिन यहां पे नए रिकॉर्ड सेट करता जा रहा है और आज इसी कड़ी में उसने आपके सबसे बेहतर रिकॉर्ड को सेट कर दिया है। बीएसई और एनएसई दोनों ने अपने अपने यहां पर रिकॉर्ड को तोड़ते हुए यहां पे ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड को सेट किया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भारत में एक तरफ लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, दूसरी तरफ भारत में गर्मी के रिकॉर्ड भी यहां पर तोड़ते जा रहे हैं। इसी बीच यहां पे शेयर बाजार का इस तरीके से तेजी से आगे बढ़ने के पीछे के क्या कारण है? जहां भारत में नई सरकार के बनने या फिर यहां पे पुरानी सरकार के दोहराए जाने के बीच शेयर बाजार में इस तरह की तेजी बहुत सी यहां पर देखा जाए संभावनाओं को व्यक्त करता है। आज हम इन्हीं घटनाओं को यहां पर देखेंगे, शेयर बाजार से जुड़ी हुई स्थितियों को समझेंगे और क्या यहां पर कहता है शेयर बाजार, किस तरीके से आगे बढ़ेगा, उसके कुछ चीजों को समझना जरूरी है। सबसे पहले देखिए यहां पे जो न्यूज हमारे बीच है कि शेयर बाजार ने 27 मई के दिन नया ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड यहां पर सेट कर दिया है। और ये रिकॉर्ड कितना है तो इस पर भी नजर डालिएगा, इसको ध्यान भी रखिएगा, आपके एग्जाम्स में हो सकता है पूछा भी जाए। तो सेंसेक्स ने 76,009 का हाई रिकॉर्ड यहां पे सेट किया है। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें कि 23,110 का स्तर यहां पर उनके द्वारा छुआ गया है। और ऐसा नहीं कि किसी एक दिन की तेजी है, ये लगातार तीसरा कारोबारी दिन है जब बाजार ने यहां पे ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया है। यानी कि डे बाय डे यहां पर इन्होंने अपने आप को पहले से बेहतर एक रिकॉर्ड की ओर बढ़ते हुए दिखाया, यानी कि जो ग्रोथ है वो लगातार बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। बाजार ऊपरी स्तर से नीचे यहां पर थोड़ी गिरावट के साथ आज यहां पर बंद हो गया है और सेंसेक्स 19 अंक की गिरावट के साथ 75,390 के स्तर पर बंद हुआ और निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 22,932 के स्तर पर बंद हुआ है। तो ये रिकॉर्ड देखा जाए, जो इन्होंने 3 दिन की तेजी की बात की है वो भी देख लेते हैं कि कैसे यहां पर ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड इनके द्वारा ये सेट किया गया है डे बाई डे के आधार पर। सबसे पहले यहां पर हम देखें जो ऑल टाइम रिकॉर्ड की बात की गई है, आप 23, 24 और 27 ये 3 डेट हमारे पास है। उससे पहले 10/4/2014 को क्लोजिंग हाई यहां पे सबसे पहले थी 74,953। 23 मई 2024 को अगर हम देखें तो यहां पर 75,418 को क्लोजिंग हाई यहां पर आपको आई। इसके बाद 24 मई को यहां पर देखा जाए 2024 को फिर से यहां पे ऑल टाइम हाई पहले से यहां पर आपको देखा 75,636 पे पहुंची और उसके बाद ऑल टाइम हाई यहां पर देखा जाए 27 तारीख को 76,009 तक भी यहां पर आपको पहुंच गई। यानी कि डे बाय डे यहां पे लगातार 3 दिन, बीच में 2 दिन यहां पर बाजार आपको बंद रहते हैं, लेकिन लगातार आपको जिस दिन बाजार ओपन होते हैं वहां पर इन्होंने अपने आप को पहले से बेहतर यहां पर जो ग्रोथ है, जो शेयर बाजार है वो आपको बेहतर हुआ है। ये सेंसेक्स की बात हो गई। वहीं निफ्टी की भी देख लेते हैं। निफ्टी अगर हम देखें तो यहां पर आप देखें 10 तारीख तक 22,753, 23 तारीख को 22,967, 24 तारीख को 23,026 और 27 तारीख को 23,110 का यहां पर ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड इन्होंने सेट किया है। जब बाजार यहां पे तेजी से आगे बढ़ता है तो कई सारी कंपनियों को भी इसका फायदा होता है। यहां पर आप देखें तो इस साल यहां पर 27 मई के दिन यहां पर आप देखें बीएसई मिड कैप जो है 43,753 है, वहीं बीएसई स्मॉल कैप 47,954 के यहां पर परसेंटेज वाइज आपकी ऑल टाइम यहां पे जो रिकॉर्ड्स हैं वो सेट कर रहे हैं। कई सारे यहां पर निफ्टी के गेनर होते हैं, कई सारे लूजर्स हैं जैसे कि डिवीस लैब, इंडस इंड बैंक और अदानी पोर्ट्स को यहां पर जहां फायदा हुआ है आज के दिन, वहीं पर अदानी इंटरप्राइजेस, विप्रो और ग्रॉसिम को यहां पर आज नुकसान हुआ है। अब आइए समझते हैं कि कोई भी शेयर बाजार देखिए अचानक से बढ़ता क्यों है, इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं, भारतीय शेयर बाजार में लगातार आपको तेजी क्यों देखने को मिल रही है। इसके 3 बड़े रीजन आपको दिखाई देते हैं। पहला, नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान एक वक्तव्य दिया गया जहां पे सरकार के स्थायित्व को लेकर बात की गई कि उनकी सरकार एक बार फिर से बन रही है और इसके कारण बाजार में जो कह सकते हैं कि मार्केट में लगातार जो व्यापारी हैं उन पे एक कह सकते हैं कि उनके लिए अच्छी पॉलिसी आगे भी बढ़ने वाली है, ये उनके मन में विचार है, सरकार वही आ जाएगी तो सेम पॉलिसी आगे बढ़ेगी, जिससे यहाँ पे व्यापारियों के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है और उनको यहाँ पर इससे फायदा होगा। तो यहाँ पर शेयर बाजार के ऑल टाइम हाई होने के पीछे का एक बड़ा रीज़न ये भी है कि इकोनॉमिक टाइम्स में दिए गए इंटरव्यू में मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 4 जून को जैसे ही बीजेपी रिकॉर्ड संख्या को छुएगी शेयर बाजार भी नई रिकॉर्ड को पर यहां पर पहुंच जाएगा और इस बयान का एक पॉजिटिव असर आपको बाजार पर देखने को मिला जिसके कारण एक आपको ग्रोथ देखने को मिली। उसके अगले एक दो दिन में यहां पर आरबीआई ने सरकार को एक बड़ा यहां पर डिविडेंड आपको दिया जिसके कारण भी आपके बाजार में एक इंपैक्ट पड़ा। इस बार आरबीआई के द्वारा वित्त वर्ष 2024 के लिए सरकार को रिकॉर्ड 2,10,874 करोड़ रुपए के सरप्लस ट्रांसफर को मंजूरी दी है, जो अब तक का सबसे बड़ा यहां पर आरबीआई के द्वारा सरकार को किया गया फंड ट्रांसफर है।
और वित्त वर्ष 2022-23 में आरबीआई ने सरकार को जहां 87,416 करोड़ यहां पे सरप्लस ट्रांसफर किया था, यानी कि पिछले साल से 1.23 लाख करोड़ रुपए यहां पे ज्यादा। सरकार के पास जितना ज्यादा पैसा यहां पर आएगा उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होंगे और बाजार के लिए अच्छा होगा। तो एक दूसरा जो इंपैक्ट यहां पर अगले दिन पड़ा वो इसका पड़ा, और उसके बाद जो तीसरा यहां पर इस पर इंपैक्ट पड़ा है वो है बिकवाली और भारती यहां पे एलआईसी के द्वारा लगातार खरीद को लेकर के। यहां पे देखिए जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं जिसे हम एफआईआई कहते हैं, अप्रैल से बिकवाली लगातार कर रहे हैं, लेकिन एलआईसी जैसी जो कंपनियां हैं, म्यूचुअल फंड जैसी घरेलू संस्थागत जो निवेशक हैं जिसे हम डीआईआई कहते हैं, इनके द्वारा खरीदारी के चलते लगातार बाजार में तेजी है। क्योंकि उनके लिए यह है कि अगर हम अभी जो शेयर बाजार में तेजी से गिरावट आ रही है हम उनको खरीद के रखते हैं, बाजार मजबूती आएगी तो उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा जिसका फायदा उन्हें होगा, और इस कारण से यहां पर यह मजबूती वहां पर देखने को मिली है। और मई में अब तक एफआईआई ने 22,046 करोड़ रुपए के शेयरों की शुद्ध बिकवाली की है, वहीं एफडीआईआई ने करीब 40,798 करोड़ की यहां पे खरीदारी की है, और इस कारण से लगातार जो बाजार में तेजी आपको देखने को मिल रही है ये इसके तीन सबसे बड़े कारण है। वहीं से पहले शुक्रवार को भी देखा जाए तो बाजार में एक ऑल टाइम हाई यहां पर सेट किया गया था और उसमें भी थोड़ा सा गिरावट के साथ ये बंद हुआ था, जैसा कि हमने देखा। तो यहां पे 24 मई को भी शेयर बाजार ने ऑल टाइम हाई यहां पे 75,636 यहां पे बनाया था और निफ्टी ने 23,026 को यहां पर बनाया। उसके बाद यहां पर देखा है थोड़ा बहुत यहां पे गिरावट आपको देखने को मिली, लेकिन ये लगातार हर दिन, जैसे आज उन्होंने अपने पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है, और आने वाले समय में हो सकता है ये बाजार लगातार हाई रहे जब तक आपको 4 जून का रिजल्ट नहीं आ जाता है। तो फिलहाल आज सेशन में इतना ही, शेयर बाजार को लेकर नई यहां पे जानकारियों को लेकर लगातार हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।